हेलो हे भगवान। लेकिन मंत्री जी जी तुम कहाँ तक जाओगे रे? तुम जा अपना महली। हम तो नौकर हैं महारानी जी, एक पुत्र के चलते आपको घर से बेघर कर रहा है, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। नहीं मंत्री, थोड़ा दूर चलिए, हम थोड़ा दूर छोड़ देंगे, इसके बाद जो आदेश हुआ हम वापस चले आएंगे। ठीक है चलो। अरे अजो देना रे, हम आएंगे उतना रोइए मत, धीरे धीरे चले जाइए, जहां आदेश हुआ वहीं आप रहिए, हम तो नौकर हैं, हम कुछ नहीं आपके बारे में कर सकते। ठीक है मंत्री जी, तुम जाओ। हाँ। लेकिन मेरी पति देव का ख्याल रखना रे। बिल्कुल ख्याल रखना। ठीक है जाओ, जाइए जाइए महाराज। ठीक है। हाँ। Yeah.
मैं एक छोटी सी झोपड़ी बना चुकी हूँ और मैं इस झोपड़ी में रहूंगी और मैं सुंदरबन बगानी जितनी भी बगान पे एक भी कौवा काकुर बैठेंगी तो मैं उसे बैठने के लिए नहीं दूंगी और मैं इसी सुंदरबन बगान में घूमती रहूंगी लेकिन मैं अपनी राजमहल कभी नहीं जाऊंगी। आरी माँ बहन की चरणों में जा रहे हैं, देखते ही दो चार दस रुपए से मदद अवश्य करेंगे, भीख मांगने के लिए मैं जा रही हूँ। Yeah, my child.